हमारे विषय में किसी मुखबिर ने नक्सलियों को गलत संदेश पहुंचा दिया था, जिस वजह से हम पर संदेह के दायरे में लेकर के हमारे ऊपर घटना को अंजाम दिया, जिसमें 3 अज्ञात नक्सलियों ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे बाजार स्थल में ही 3 राउंड फायर किया, जिसमें से 2 गोली मेरे भाई के सीने में लगी और 3रा गोली इसको कोहनी को लगते हुए मेरे पैर के जांग को छलनी करते हुए निकल गया। जब गोली लगी हम दोनों भाइयों को, तब हमारा पैर में दर्द और खून बहने लगा। हम लोग अपनी जान को बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में दोनों भाई भागे। मैं अपने भाई को बचाने के लिए लोगों से गुहार करते भाग गया। भाई कुछ दूर जाकर के गिर गया एक दुकान के सामने। वहां पर भाई को नक्सली लोग दौड़ाए और वहीं पर जाकर के और फायर किए। फायर करने के पश्चात भाई का जान नहीं गया तो निर्मम रूप से उसका हाथ को काट करके बाहर निकाल दिए। उसी समय मेरी माँ भी उस बाजार में मौजूद थी। मेरी माँ ने पूरी जनता से हाथ जोड़ करके उसकी जान की भीख मांगती रही, लेकिन उसे बचाने के लिए किसी ने सामने आने का हिम्मत तक नहीं किया और सभी लोग अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। मैं दूरस्थ स्थान पर अपना जान बचा करके रह गया। भाई के रक्षा करने में भी मैं अक्षम था उस समय, क्योंकि मेरे पैर को भी जख्म पहुंचा हुआ था। यह घटना मेरे साथ हुआ, मेरे भाई खो दिया है मैंने, लेकिन हमारे बस्तर में ऐसा आगामी पीढ़ियों को ऐसा दर्शक झेलना न पड़े, मैं इस दिल्ली वाले भाई बंधुओं तक अपनी दुख भरी कथा को लेकर के आया हूं। वे हमारी इस व्यथा को समझें और हमारा इस दंश से बाहर निकलने की लायक में सहायता प्रदान करें। और हम लोग यही आशा लेकर के आए हैं कि बस्तर में शांति और अमन हो। बस्तर पॉइंट हिंसा शांत, यही हम लोग का ध्येय है, यही हम चाहते हैं। बस्तर में हिंसा न हो, शांति हो, शांति हो।